साउथ इंडिया। वैसे तो नाम बहुत सुने हैं हम भी साउथ इंडिया का, बट आज हम निकल पड़े हैं साउथ इंडिया रोड ट्रिप 2021 को लेके, ये देखने के लिए कि आखिर कैसा है हमारा साउथ इंडिया और कैसे हैं वहाँ के लोग। तो चलो ना यारों, देखते हैं। अभी हम लोग केरला में इंटर कर गए हैं, कुछ पहले ही कर गए थे, बट मैं अभी आपको बता रहा हूँ। तो अभी हम कर्नाटका से केरला में आ गए हैं और थोड़ा देर यहाँ पे रुके हैं, कुछ मेडिकल का काम था और वो कुछ दवाइयाँ लिए हैं। और ये है लस्सी और भैया का बटर मिल्क। भैया का नहीं है, भैंस का। ये भैंस का है। भैया कैसा बटर मिल्क देगा रे? कुछ भी। सैनिटाइज करते पहले, कुछ कुछ भी ऐसे नहीं बोलते कुछ भी। क्या कैसन बा? टेस्टी है यार, मैंगो है। ले ले एक और। हाँ जा, देखाते हैं, पी लेते हैं इसको, यहाँ पे पी लेते हैं। हाँ तो इसको यहीं पे रोक लेते हैं ना। उधर साइड में ना देख, छोटे केले बड़े केले, वो भी टेस्टी है। दो ले ले, जो भी लेना दो दो लेना। अच्छा। सही है, मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगा। ये मैंगो लस्सी है वो। हाँ, मुझे इसका वो भी अच्छा है, बटर मिल्क है भाई, प्योर है, मुझे अच्छा लगता है। ये दूध का है ना, तो हाईवे ही लगता है कि दोनों साइड सिटी है, ये सिटी के बीच से गुजरती है। नहीं नहीं, एक साइड में ये है क्या? हाँ, समुंदर है टोटल। अच्छा। हाँ, और इधर सिटी है, इधर सिटी है, लेफ्ट साइड में सिटी है, राइट साइड में समुंदर। और राइट साइड और ये बीच राइट साइड में ना अभी रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन? हाँ रेलवे लाइन है और उसके बाद में समुंदर है, ऐसा कुछ है। और इधर दोनों साइड घर बने हुए यार, काफी खूबसूरत घर, बहुत ये देखने में अच्छा लगता है। घर रहने में तो और अच्छा लगता होगा। क्लाइमेट जो है ना वो ह्यूमिड है, क्लाइमेट बहुत अच्छा। हाँ ह्यूमिड क्लाइमेट है, मतलब गर्मी वाला वो रहता ना, उमस पसीना निकल रहा। ये देखो इधर, इधर देखो ये, अरे यार इतने बड़े बड़े बंगले बने हैं यार यहाँ पे। ऐसा ऐसा ही मिलेगा, मतलब ऐसा नहीं है कि एक दो, मतलब जब स्टार्ट होता है ना, स्टार्टिंग से लेकर और लास्ट तक ऐसा घर ही मतलब दिखने को मिलेगा आपको। ये कोई सिटी है फिर, नहीं लिखा होगा इंग्लिश में। हाँ इंग्लिश वाला ही समझेगा। वो तो समझते नहीं है ना, तो समझ ही नहीं सकते, पता नहीं क्या क्या है। मणिकोट, मणिकोट पैसे का क्या कहते, ये विलेज का नाम है। विलेज क्या है वो? विलेज ही है, बट विलेज ही है लेकिन हाँ डेवलप्ड है एकदम। हाँ हाँ, मतलब सिटी टाइप का दिख, सिटी टाइप है। हाँ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं ना वो पता नहीं यार मिलेगा कि नहीं। हाँ ढूंढते रहेंगे, ढूंढने से तो भगवान भगवान भी मिल जाता है। Thank you.
अभी हम लोग यहाँ चलते हैं और चाय पियेंगे। सचिन भाई को अभी सुसुरी करनी है, उधर कर लीजिए, उधर जाएंगे ना उसके वहाँ होगा। चलो चलते हैं, पहले चाय का देखते हैं ये क्या है। हाँ वो मैं निकाल देता हूँ। वही टोन है उधर का, हिंदी का भी टोन वही है। वो भी कितना 1-2% लोग हिंदी बोलते हैं। हाँ बस फिर वो मेरा बैग देना पीछे से यार, वो पोनी बांध लो क्या? सही है ऐसे है ना, पोनी बांध लो, बांधना है क्या लगता है? सही है ऐसे को लगा पक्का अच्छा लगता है। पक्का ना? पक्का मुझे अच्छा लगता है रे सर। कुछ भी कुछ भी वही बोला है मुझे। कैमरा कहाँ रखे हम? ये इधर। अरे यार कुछ मतलब मेरा ही दिमाग अभी मोहब्बत से मिल लिया ना तो तुम सब भूल गया है भाई। देखो हम सूट कर रहे इधर रख के और मुझे इधर ढूंढ रहे कि मेरा कैमरा किधर गया। तो हाँ ये बात है, इधर ना केरला में लैंग्वेज का थोड़ा प्रॉब्लम है, मतलब ज़्यादातर लोग ना तो हिंदी समझते हैं ना ही इंग्लिश। लेकिन एटलीस्ट दुकान वाले को ये नॉलेज रहना चाहिए, हिंदी या इंग्लिश तो दोनों में से एक आनी चाहिए थी। हिंदी का चलो इंग्लिश दे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि हो सकता है कोई और कहीं से आए तो उसको हिंदी भी नहीं आती हो, तो इंग्लिश ऐसा लैंग्वेज है ना अगर वो थोड़ा मोड़ा भी आता तो फिर सारे जगह के लोगों को ये कर लेता मेकअप। जैसे अभी हमने चाय पिया और सचिन भैया कॉफ़ी, तो मैंने पूछा कितना हुआ तो वो ऐसे बताए 2। तो मैं अनुमान लगा लिया कि 200 तो होगा नहीं तो 20 ही होगा, तो मैं 20 रुपये निकाल के दे दिया तो उन्होंने चुपचाप रख लिया और कुछ बोला भी नहीं। हाँ पता है वो एक तो शुक्र ये है कि हम लोग चाय और कॉफ़ी मांगते हैं तो समझ जाता है, वरना पता चला वो भी ऐसे इशारा में बात करते ना तो कुछ और ही देता पीने को। ऐसे इशारा में क्या बोलेगा? वही तो है, पानी देता है, क्या देता है, बियर देता है, रम देता है, विस्की देता है, चाय कॉफी समझता है ये ठीक है। लेकिन इतना भी नहीं, इशारे इशारे में बात हम लोग कर लेते हैं, इशारे में बात करना भी सीख के रखो इसलिए बोलते है। मजा आ गया भाई, मजा आ गया। उनका स्टाइल देखा चाय बनाने का? हाँ हाँ यूनिक था वो, थोड़ा ईरानी स्टाइल चाय। आप लोग देखे कि नहीं? अच्छा अभी देख लीजिए। तो यार यहाँ से कोझिकोड़े है 56 किलोमीटर, तो अभी ना हम लोग खाएंगे पहले कहीं रुक के होटल पे। और हम लोग क्या प्लानिंग किए कि मतलब इधर रुक के कोई फायदा आ जाए नहीं, तो ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग खाना खाने के बाद ना फिर से अपना जर्नी को कंटिन्यू ही रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना दूरी को तय किया जाए रात में। हाँ जब देखा जाएगा कि अब आँख लगने लगी तो फिर उसके बाद कहीं पर लगा के गाड़ी अपना बेड को सेट कर देंगे और सो जाएंगे, फिर सुबह में वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो पहले खा ले तो इसके बाद देखते क्या होता है। क्या चलो आप भी आ जाओ खाने। हाँ अभी हम लोग खुद खा रहे हैं, आप बुला रहे हैं उनको, पहले आप तो खा लीजिए। भी तो नहीं मिल रहे कहीं आगे हो, कब से छोटा छोटा रास्ता, आप जाके थोड़ा बड़ा मिला है तो रात हो गई। हाँ अब रात हो गई।
और अब मुश्किल है, भूख लग गई ना, अब भूख भी लग गई। हम लोग कितना बजे खाए थे, 11 बजे के आसपास खाए थे, वो थाली लेकिन बहुत अच्छा था। वैसे कुछ मिल जाए ना, मिलेगी वैसे ही मिलेगी। चलो देखते हैं। आज की ताजा खबर, केरला में बारिश हो रही है अभी और हम सफर इंडिया फिर लाए भूखे पेट गाड़ी। पता नहीं भाई, मानसून आता है तो इधर से ही आता है पहले। हाँ। तो एक आध बादल अटक गया होगा बीच में। तो भाई मेरे को प्रेशर आया है बोला होगा तो तोड़ दिया उसने। मैं तो यार पहले भूख लगा हुआ ना इतना जोर से, हम लोग पिज्जा खाएगा, पिज्जा या कुछ भी खा लेंगे यार, अभी तो बस नॉनवेज छोड़ी। तेरी प्रॉब्लम है साउथ में ना, नॉनवेज वालों की बड़ी प्रॉब्लम है इधर ना, वेज बहुत कम मिलता है ऐसा। ए मर जाता, अरे बाप रे, मेरा हार्ट बीट एकदम से गाड़ी चलाता है। अबे यार, और सामने का ब्रेक मार रहा है वो, वही तो इसी मेरा हार्ट बीट इतना हाई 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 माय 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 माय। अरे अरे वो कहीं अपनी गाड़ी के आगे आ जाता तो यार पहले खाते हैं उसके बाद आप ना थाली पेट में दिमाग की बत्ती नहीं चलती। चल ठीक है देख लेते, और इधर ये बत्ती भी बंद कर देते हैं। अभी क्या न्यू अपडेट हम लेके आ गए हैं आप लोग के लिए। तो हम अभी एक रेस्टोरेंट में आ गए हैं, यहाँ पे खाना खाएंगे और फिर यहाँ से देखते हैं क्या प्लानिंग है आगे का। और भाई साहब क्या बताओ, मतलब जैसे ही गाड़ी से भी उतरा ना नीचे, एकदम से बॉडी ऐसे जैसे कंपन कर रहा था, सच बता रहा हूँ यार, क्योंकि बहुत लंबा टाइम के बाद ये ब्रेक लिए हम लोग। अभी खाते हैं उसके बाद आपसे बात करते हैं, चलो पहले खा लेते हैं उसके बाद ये बात करूँगा। क्योंकि अब जाएगा नहीं तो सचिन भैया सारे खा जाएंगे हम लोग दुकान। यहाँ पर हम लोग खा लिए हैं और खाना बहुत ही काफ़ी अच्छा था। वो गाड़ी में बैठते हैं उसके बाद आपसे कुछ बात करते हैं खाना के बारे में। तो यार हम लोग अभी निकल गए हैं कोझिकोड़े से और कोझिकोड़े से भी निकल गए। पहले हम लोग का प्लानिंग ऐसा था कि रात में कोझिकोड़े में रुकना है, बट फिर ना हम लोग सोचे कि यार यार रुकने से कोई फायदा है नहीं, तो अभी ना इधर से आगे सीट मतलब निकला जाए, मतलब आगे ही निकलने में फायदा है। डायरेक्ट अब ना रामेश्वरम जाने का प्लानिंग है। ऐसा नहीं है कि मतलब कल ही पहुंचना है, मतलब रात भर में पहुंच जाना है, मतलब रात भर तो ड्राइव करने में ये नहीं हो पाएगा मेरे ख्याल से। हाँ बट भैया देखेंगे, मतलब जहाँ तक हो जाए, और जब लगेगा कि ओवर हो रहा है तो कहीं लगा देंगे पेट्रोल पंप पे या कहीं अच्छा जगह देख के, और वहाँ कुछ मतलब ये थोड़ा नींद ले लेंगे अपना पावर नैप, और उसके बाद आगे फिर देखेंगे क्या होता है। तो आज ना मतलब ऐसा मन हो गया कि चलो आज रात में भी जो सब करते हैं ना वो दिखाते चलते हैं, क्योंकि यार ब्लॉगर का यही लाइफ आप लोग को दिखाने के लिए हम घर से निकलते हैं कि हम लोग कैसे ट्रेवल करते हैं। और एक खास बात, मतलब आज ये करने के लिए ना एक बड़ा सा मोटिवेशन हमको मिला है, बताएगा तू? हाँ वो ना, हाँ आप ही बता दो। तो हुआ ऐसा कि हम लोग पीछे ट्रैफिक में फंसे हुए थे और एक जो गाड़ी थी हमारे पीछे स्विफ्ट थी, तो वो हमें हॉर्न बजा के लाइट बजाते बजाते ऐसे हमें जैसे तैसे ओवरटेक करके साइड में आई हमारी गाड़ी के, और एक बंदा पीछे से ऐसे मोबाइल निकाल के हमें दिखा रहा है ये सब्सक्राइबर। तो यार ये मतलब उसने पीछे जो लिखा हुआ है हमारा बोर्ड लगाया है का, दुर्गेश का भी और मेरा भी, तो नाम लिखा हुआ है चैनल का, तो वो देख करके उसने सब्सक्राइब किया चैनल। तो भाई अगर आप देख रहे हो तो थैंक यू सो मच मेरे तरफ से। आपका नाम पता नहीं, कुछ भी पता नहीं है, बट गाड़ी पता है, स्विफ्ट डिजायर थी शायद आपकी, तो अगर आप देख रहे हो तो थैंक्स अ लॉट। कमेंट कर देना प्लीज, और हो सके तो इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, फिर वहाँ गुफ्तगू करेंगे और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा लगता है कोई अगर इस तरह से अप्रिशिएट करे यार, सब्सक्राइब कर ले चैनल, तो बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू सो मच दिल से। चलो अब आगे चलते हैं और देखते हैं कुछ क्या क्या होता है आगे, नहीं होता है मतलब
वही गाड़ी का मतलब कहाँ पे सोते हैं क्या करते हैं वो सारी चीज आपको दिखाते रहेंगे। आज हम ठान लिए कि पूरा रात आज कैमरे को हाथ में रखना है और ये ब्लॉगिंग करना है। तू बोले जा रहा है इधर मैं जमा ही ले रहा हूँ। बोलेंगे अरे ये क्या चलाएगा पता नहीं यार। यार पिलो पिलो रख लेना वहाँ पे यार। ये क्यों हो जाता है ऐसा तेरा कल से तू बोलने जा रहा है। हाँ। मुझे भी थोड़ी हो रही है ये सीट बेल्ट की आदत नहीं ना उसके लिए भी हो सकता है। तो पिलो रखेगा ना तो ठीक होगा। आपको भी लेनी है? नहीं ना मैं लूंगा तो मैं लुढ़क जाऊंगा यहीं पे। अब सही लगता है थोड़ा। और अभी टाइम हो रहा है 1:03 अभी 1:03 1:03 अभी कंटिन्यू तभी से नॉन स्टॉप ड्राइविंग कर रहे हैं भैया। अभी तो कॉफ़ी के जुगाड़ हम लोग है चाय कॉफ़ी। मेरी मोहब्बत तो चाय है भैया को कॉफ़ी जमती है। तो अभी जग के मुझे भी रहना है तो भैया अभी चाय तो जरूर पिलाएंगे नहीं वरना मैं अगर सोया तो काम तमाम। बगल वाले का भी काम तमाम। अगर चलाने मतलब ड्राइविंग जो कर रहा है उसके बगल में जो बैठा है अगर वो बंदा सो गया तो समझो बस हो गया दोनों का काम तमाम है। तो इसीलिए मैं भी थोड़ा बात कर लेता बीच में हंसी मजाक करते जा रहे हैं कुछ कहानियाँ सुनाते अपने अपने क्या क्या हुआ कुछ पहले जब हम लोग मिले तो उससे पहले का कहानी वहानी ये सब अपनी ज़िंदगी के बारे में कभी कभी चलती है ना तो वही सब बात हो जाती है हंसी मजाक ये सब चलता है तो नींद भाग जाती है अपने आप। अभी गाना वाना भी नहीं बजा रहे हैं शांत हो के आराम से बात हम लोग करते जा रहे हैं और कभी कभी आप लोग से भी बात कर लेते हैं वरना आप लोग सो जाएंगे हम लोग को भी नींद आने लगेगी। सही है अभी कहीं रुकते हैं पहले देखते हैं चाय कॉफ़ी मिल जाए तो कि भैया की कॉफ़ी मिली ही नहीं मेरी चाय तो मिल गई। यार ये ऐसा होना चाहिए ना कि अपनी मोहब्बत चाय तो कहीं मिल जाती है भैया का कॉफ़ी तो कहीं मिलती है कहीं नहीं मिलती है। 1:18 हो रहा है अभी और इधर चाय इसमें।